पूजा आपके साथ हुई? हाँ। और वो यज्ञ? हमारी रीत जी ने उसे हमेशा के लिए छोड़ दिया है। क्या? कितना हैंडसम है यज्ञ, ऐसे लड़के आजकल मिलते कहाँ हैं? मैं अगर भाभी की जगह होती ना तो मैं तो नहीं छोड़ती। ऐसे चोरों के पीछे भागेगा तो दुलत्ती खाएगा। मर गया इसको। यज्ञ, यज्ञ बेटा, यज्ञ, ये क्या कर रहे हो तू बेटा? रुक जा बेटा, इधर आ। ये क्या पागलपन है बेटा? पागल तो मन नापा मैं था उस रीत के पीछे, लेकिन अब होश में आ गया हूं। आपको बहुत पसंद थी ना वो? हम दोनों ही गलत थे। वो एक नंबर की मक्कार, धोखेबाज, स्वार्थी लड़की है मन्नापा। मेरे ऊपर झूठा इल्जाम रखते उसने देखा यज्ञ तो अब किसी काम का रानी, और एक ही पल में मुझसे पल्ला झाड़ लिया उसने। या अल्लाह, रीत बेटी ने मेरी बात मान ली, मेरे बेटे को आजाद कर दिया। रीत, मैं तुम्हारी हालत समझ सकती हूँ, लेकिन इस घर में तुम्हें कोई भी नहीं समझ सकता। हमारी माँ का रुतबा, उनका डर इन पर भी है। मंत्री होते हुए भी डरते हैं ये अम्मा से। कावेरी, आज जरा जल्दी लाओ दुल्हन को। इंस्पेक्टर, जितनी बड़ी सजा मुझे मेरे प्यार में मिली है उसके आगे तेरी सजा कुछ भी नहीं है। अब फेरे पड़ने तक हर दिन एक नई रस्म होगी। कल सबसे पहली रस्म होगी सिंदूर मिटाने की रस्म, जिसमें कलश के जल से तुम्हारी मांग का सिंदूर धोया जाएगा, और उसके अगले दिन कुमारी पूजन की रस्म। झल्लन चाची, क्या कोई ऐसी पूजा या रस्म है जो पहले वाली रीत को वापस ला सके? पहले वाली रीत का मतलब? रीत की आत्मा की बलि तो कुलदेवी के मंदिर में ही चढ़ गई। अब जो आपके सामने है सिर्फ रीत का शरीर है। ए लड़की, ऐसी उल्टी सीधी बातें करेगी तो 25 चप्पल मारेंगे तुझे। और एक बात और कान खोल के सुन ले, हमने तेरे बाऊजी की जमानत के कागज दिखाए हैं तुझे। जमानत हुई नहीं है अभी उनकी, इसलिए ज्यादा उड़ मत। जो झल्लन कहे उसे कर, और जैसे वो रखे वैसे रह। और आज के बाद तेरी हर सांस हमारे बेटे भीषम के नाम की होगी, और 7 फेरों के बाद तू सिर्फ झल्लन की बहू कहलाएगी।